भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन बागेश्वर जिले में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। बागेश्वर, कपकोट, कांडा सहित अन्य स्थानों में बहनों ने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनकी रक्षा और दीर्घायु की कामना की। भाइयों तथा बहनों को रक्षाबंधन के त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहनों ने भाइयों का मुंह मीठा कराकर उनकी आरती उतारी तथा कलाई में राखी बांधी। यहाँ कई स्थानों में लोगों ने स्नान के उपरांत जनेऊ भी धारण किए। श्रावणी उपाकर्म का महात्म्य है, ये वैदिक कर्म पर आधारित है। वैदिक और पौराण काल तो बाद में आया, तो इसलिए इन सब का गुणा भाग किया गया, जिसमें ऋतु है, दान है, आयन है और वेद है, धर्मशास्त्र है, तो इनके सारे अंशों को निकालने के बाद उसका योग 96 हुआ। इस 96 के अंदर ये सारे धर्मशास्त्र, वेद और कानून की मर्यादाएं पूर्ण रूप से आ जाती है। अब श्रावणी महापर्व जो है, हमारे विशेष महात्माओं को यह यज्ञोपवीत आज ही के रूप में मिला था। वैसे तो मैंने कल भी इस पर विश्वास से चर्चा की कि इसको तो ब्रह्मा जी के गले में पहने ही देखा, क्योंकि यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते के सहजम पुरस्कार आयुष्य मद्रम प्रतिबुद्ध शुभ्रम यज्ञोपवीतम परमस्त तेजा सहजम पुरस्कार मैंने किसी ने बनाते नहीं देखा, सहज में पहने ही देखा। फिर पौराणिक काल जब आया तो ब्रह्मा विष्णु महेश निर्मितम प्रभुशुक्रम यज्ञोपवीता देनो प्रियतां कमलापति। तो ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर ने शक्ति की उपासना करी, जो शक्ति मणिद्वीप में निवास करती है, जिसकी 8 भुजाएं हैं, पूर्ववर्ती 9 योना है, शेर पर सवार हैं, उनका एक स्वरूप महाकाली, एक स्वरूप महालक्ष्मी, एक स्वरूप महासरस्वती है। सरस्वती वाले स्वरूप से ब्रह्मा जी को पति के रूप में भरण किया, इससे यह ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। और उसके बाद इनका तेज लेकर के सूर्य प्रभुत्व में हम सब लोगों को और आप सब लोगों को प्रकाश देते हैं। इसलिए गायत्री छंद सा मातर जबे में स्थान जी भव, तो वह गायबेन माता गायत्री जो है, तब जाकर के उन्होंने इस यज्ञोपवीत में प्रवेश किया। ऐसा माना श्वेत वर्णा समुन्निष्ठा कौशेय वसना तथा श्वेते पिले पदे पुष्टे अलंकारे विभूषिता आदित्य मंडलांतसा ब्रह्मलोक गता सभा अक्षिदूत धरा देवी पद्मासन गता सुभा। तो इसलिए जो गात मतलब गाने वाले को, जपने वाले को, मानने वाले को, यज्ञोपवीत धारण करने वाले को पवित्र कर दे रहे, उसके सारे पापों को कटा दे रहे, मिटा दे रहे, रोग और शोक हटा दे रहे, जीवन में दरिद्रता को नष्ट कर दे रहे, खुशहाली दे दे रहे, सौभाग्य और संतान को दे दे रहे, ऐसी वो वेद माता गायत्री इसी यज्ञोपवीत जो छह तंत्रों से बना है, यदि हम उसको जो है ध्यान मुद्रा में स्थित होकर के उसका अवगाहन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम सबका तीसरा नेत्र खुल जाता है। इसलिए तो व्रतबंध को उपनयन कहा गया। नयन माने दोस्त हैं हमारे पास, उपनयन माने ज्ञान का नयन। वो कौन है? जैसे भगवान शंकर का सूर्य और चंद्रमा नेत्र है उनके, और अग्नि उपनयन है, इसीलिए हमारा उपनयन मतलब तीसरा नेत्र खुल जाता है। जब ज्ञान शक्ति खुल गई, योग शक्ति खुल गई, विद्या शक्ति खुल गई, तो कृष्ण भगवान चौथे अध्याय गीता में कहते हैं, नहीं ज्ञाने सत्संग न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।